कि आखिर क्या प्रशासनिक व्यवस्था है 5 सालों के इस छोटे से समय काल में, शासन काल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हिस्ट्री खबरी में हम बात करते हैं इतिहास की, और बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, जिसमें मुगल सल्तनत की हम बात कर रहे थे। लेकिन मुगल सल्तनत के बीचों बीच एक और सल्तनत आ जाती है कुछ समय के लिए, 15 वर्षों के लिए, और हमने बात करी है सूर साम्राज्य की, जिसको स्टैब्लिश किया हुआ है, स्थापना जिसकी की हुई है शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी की पूरी जानकारी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शेरशाह सूरी केवल अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए भी मशहूर हुआ करता था। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आगे जाके मुगल बादशाह अकबर भी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या प्रशासनिक व्यवस्था है 5 सालों के इस छोटे से समय काल में, शासन काल में, उस व्यक्ति विशेष ने या उस शासक ने अपनाई थी। ठीक है, सो क्या थी वो प्रशासनिक व्यवस्था, यही देखना है हमें। चलिए बने रहिए मेरे साथ। बात हम कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। किसकी प्रशासनिक व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, शेरशाह सूरी की। ठीक है, शेरशाह सूरी की। अब शेरशाह सूरी की बात करें तो वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था मतलब हमें प्रशासन को चलाना है। प्रशासन में बेसिक से कॉन्सेप्ट की बात करें तो दो ही चीजें होती है, एक तो होता है केंद्र, केंद्र मतलब जहां पे राजा राज्य करता है। अब केंद्र बहुत बड़ी, देखिए आपके राज्य जितना है उस हिसाब से फिर सारी चीजें होती है। अगर छोटा राज्य है तो फिर ज्यादा उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, लेवल्स बनाने की या स्तरों की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जितना बड़ा प्रशासन आपका होता जाएगा उतनी ही ज्यादा आपको स्तरों की जरूरत हो जाती है। सो प्रशासन मुख्यतया एक तो होता है केंद्रीकृत प्रशासन, यानी केंद्रीय व्यवस्था, केंद्र के द्वारा, राजा के द्वारा जिसको देखा जाता है पर्टिकुलर। अब और बड़ा शासन हो गया तो उसी को और आप बांट देते हो स्तरों में। केंद्र के बाद प्रांत आ जाते हैं आपके, क्या आ जाते हैं, प्रांत आ जाते हैं। प्रांत मतलब, या इसको बोल लें हम राज्य या प्रांत बोल लें। सो प्रांतीय व्यवस्था जितना बड़ा होगा प्रांतों में आप उसको डिवाइड कर लो। प्रांत के बाद भी अगर आपको लगता है तो और छोटे रूप में, और छोटे रूप में ग्रामीण व्यवस्था की भी बात की जाती है, ग्रामों ग्रामों में, गांव गांव में कैसे क्या व्यवस्था कर। सो यहाँ पर चूंकि इतना बड़ा केंद्रीकृत प्रशासन इनका था नहीं, सो इन्होंने दो ही प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को लागू किया है, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय व्यवस्था प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। कैसे बांटा था, क्या करा था, सारी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो भाई क्या था कि शेरशाह सूरी एक बहुत ही सक्षम प्रशासक था। कैसे पता चलता है, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो बोलते हैं कि बाबर जो है, बाबर आपने नाम सुना ही होगा, मुगल सल्तनत का संस्थापक, बाबर ने भी ज्यादा शासन नहीं किया। भाई कितना शासन किया, 1526 में भारत आया और 1530 में एक्सपायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही शेरशाह सूरी है, 1540 में वो अपनी स्टैब्लिश कर रहा है सूर साम्राज्य को और 1545 में एक्सपायर हो गया, 5 साल का शासन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर ने कुछ किया नहीं, क्यों कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया, बहुत छोटा सा शासन था, बहुत छोटा समय काल था, केवल युद्धों में व्यस्त रहा। और वही शेरशाह सूरी, भाई बहुत छोटा सा शासन काल इसका भी था, कोई बहुत ज्यादा मामूली बड़ा नहीं था, युद्धों में ये भी व्यस्त रहा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक व्यवस्था जिसको खुद मुगल सल्तनत के सम्राट अकबर फॉलो करने वाले, तो यहाँ पे ये सच्चे मायने में बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है शेरशाह सूरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक। तो वही चीज लिखी है कि ये बहुत ही सक्षम प्रशासक, कुशल सेना नायक। इसकी सेना नायकी की तो हमने चर्चा कर ही चुकी है ना भाई, कि आपने क्या करा, आप खुद कितनी जगहों पर काम किए। भाई आपने सबसे पहले तो जौनपुर में गए, जौनपुर में वहाँ शिक्षा आरंभ करी, प्रशासनिक व्यवस्था, फिर पिताजी आपके खुश हो गए तो बिहार का उनने जागीरदार आपको बना दिया सहसाराम, तो वहाँ आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करा। ठीक है, लोग उसमें भी खुश हो गए, लेकिन इनकी माँ तो खुश हो ही नहीं सकती थी, सौतेली माँ है, तो फिर लड़ाई करवा दी, भगा दिया। फिर बिहार पहुँचे, बिहार के शासक से, अच्छा इब्राहिम लोदी के दरबार में भी आपने काम किया हुआ, फिर बाबर के यहाँ भी काम कर लिया। तो इतने सारे लोगों से आपने इतना सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, सबकी व्यवस्थाएं आपने देखी हैं, तो उन सबका निचोड़ आपने अपने शासन में लगा दिया।
आप समझो इस 5 साल के छोटे से शासन में आपने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया। और जीत की बात करें तो भैया हुमायूं को दो दो बार हराना हल्की बात नहीं है। बिहार के शासक को हराया आपने, बंगाल के नुसरत शाह को हराया। तो अपने आप में भाई कलेंजर में भी गलती क्या हो जाती है, मृत्यु क्यों हो जाती है? आप आग से खेल रहे थे, आग 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 ने आपसे खेल लिया, बात बराबर हो गई, ठीक है। सो अभी तक आप खेलते आए थे, अब वो खेल गए तो खत्म हो गए, नहीं तो वो भी जीत जाते। कलेंजर का किला भाई अपराजेय किला है, बाबर नहीं जीत पाया, हुमायूं नहीं जीत पाया, आपने कोशिश करी और जीत भी जाते अगर वो हुक्का ना पड़ता आप में तो। चलिए ठीक है, तो भैया ये एक महान विजेता व्यक्ति मान लिया जाता है। इसी कारण से इसी दम पर वह मुगल शासकों से भी विजय होकर सूर्य साम्राज्य या द्वितीय अफगान वंश, क्यों बोल रहे हैं क्योंकि लोदी वंश भी अफगानी वंश था, ये द्वितीय अफगानी वंश, उसका आपने क्या कर लिया एस्टैब्लिशमेंट कर लिया। ये बहुत हल्की पतली बात नहीं है। प्रशासनों की अगर बात करें तो शेरशाह ने बहुत अच्छी चीजें क्या करी कि देखो यार इसके समय तक अभी हम फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं दो तीन चीजें। देखो हमने बात कर ली थी कि एक तो अफगानी लोग चल रहे थे जिनका शासन था, उसके पहले तुर्क लोग भी चल रहे थे, कुछ मंगोल भी सैयद वंश के समय पे आ चुके थे, भारतीय लोग थे ये आपके, है ना। तो इनने क्या करा अभी तक क्योंकि इसने देखा था ना कि मुगल के दरबार में गया तो अफगानियों से ये ऊंच नीच के बर्ताव कर रहे, कौन बाबर या मुगल सेना। तो भैया इसने कहा कि इसी में तो अब हम भी तो गुस्सा होके निकले थे ना बाबर के दरबार से, हम मतलब वो शेरशाह, है ना। सो वो भी गुस्से में निकला था कि भैया ये यहाँ पे क्या है, भेदभाव है। इसने कहा भेदभाव करेंगे तो अब मैंने ही करा है भेदभाव, देखा है तो मैं ही गुस्सा हूँ किससे, मुगल से। तो अगर मैं अभी भेदभाव करूंगा तो मेरे से लोग गुस्सा होंगे। तो इसने क्या करा, इसने हिंदू मुस्लिम और सारी एकता को समन्वित कर लिया, इकट्ठा सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति। और जो साथ लेके चलता है वो बहुत तेज आगे बढ़ता है और लंबे समय तक भी चलता है, और वही इसकी खूबी थी, समझ रहे हो। चलो देख लेते यही लिखा होगा, क्या लिखा है भैया कि यहाँ पे शेरशाह सूरी इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है। क्यों मतभेद है? नहीं है ज्यादा मतभेद, क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ इतिहासकार उसके प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक प्रवर्तक मानते हैं शेरशाह की नीतियां जो है वो बहुत सारे तथ्यों पर आधारित है। क्या क्या तथ्य हो जाएंगे यहाँ पे? तो अपने शासक होने की अवधि में हिंदू एवं मुसलमान दोनों को समान अधिकार दे दिए। ऐसा नहीं कि भैया हम मुस्लिम हैं तो हिंदुओं का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, या हम अफगानी हैं तो मुगल्स का कोई मतलब नहीं है, तुर्कों का कोई नहीं, सबको बराबर अधिकार। अब बराबर अधिकार दे दोगे तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आज ये शासक है कल दूसरा शासक है। भाई आज ये भी तो हमारे यहाँ भी होता है ना कि आज ये नेता है कल दूसरा नेता होगा, वो तो चेंज होती है ना चीज़ें। तो जो प्रजा है, प्रजा को कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, अगर आप उसको खुश रख सकते हो प्रजा को, वो आपका फुल सपोर्ट करेगी, और नहीं रख सकते हो तो वो दुआएं करेगी कि ये जल्दी निकल जाए, दूसरा आ जाए कोई, ऐसे ही होता था। सो इन्होंने क्या करा कि दोनों को समान अधिकार दिए और समान दर्जा भी प्रदान किया, और अपने उत्कृष्ट शासन के मूल समन्वयवादी नीति का ये कर्ता धारता व्यक्ति है उसको सर्वोपरि मानता था कि समन्वय होना चाहिए, दोनों में बराबरी होनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो हुआ विकास, शेरशाह सूरी ने साम्राज्य की सारी शक्ति को क्या कर लिया था, केंद्रित या केंद्रीयकृत नियंत्रित किया, खुद से शासन देख रहा है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य होगा जितने लेवल्स बनेंगे बीच वाले लोग आपको गुमराह करना चालू कर देंगे। तो देखना आपको ही है, आप जब तक खुद नहीं देखोगे सारी चीजें, आपको नहीं पता होंगी चीजें, तो आपको गुमराह किया जाएगा और चीजें गड़बड़ होंगी, और वही होता आ रहा है। तो इसने खुद से केंद्रीकृत रूप से क्या किया, प्रशासन किया, समझ रहे हो। चलिए इसके अलावा शक्तिशाली होने में सहायता भी उसको इसी चीज की मिली, और जो विघटनकारी शक्तियां थी, कौन सी विघटनकारी की, जो बीच वाले लोग होते हैं ना वो कई बार तोड़ने का सोच लेते हैं अपने फायदे के चक्कर, और अपने फायदे के चक्कर में विघटन करना, तोड़ने का सोचना, तो लोगों को समझ में आया कि भैया ये पूरी नजर रख रहा है ना, पूरी नजर के चलते वो लोग काम ऐसा नहीं कर पाए, विघटनकारी शक्तियां भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाई, ठीक है। तो ये बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रशासन में जन कल्याणकारी काम भी करे भैया, जैसा अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1700 सरायें बनवाई, सराय मतलब समझ रहे हो ना, अपना विश्राम घर टाइप की चीज, आपने सड़कों का निर्माण कराया भाई। आज की जो जीटी रोड है, आपने नाम सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, वो जीटी रोड भैया इनने बनवाई है, बांग्लादेश के ढाका से बनी थी और पेशावर पाकिस्तान तक, कितनी लंबी रोड इसने बनवाई, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग रोड है बनवाई हैं, ऐसी बात नहीं है, ये तो जीटी रोड बहुत बड़ी रोड है और आज भी चल रही है, व्यक्ति विशेष ने बनवाई, इसके अलावा भी बहुत सारी रोड बनवाई है अलग अलग,
ठीक है। सो लोगों की पूरी व्यवस्थाएं करी है उसने, जन कल्याणकारी कार्य करे हैं, सराय बनवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, हर प्रकार से, ठीक है। सो ये भी लोगों को, क्योंकि प्रजा को खुश रख रहे हो ना तो प्रजा दुआएं देगी, और दुखी कर रहा हो तो वही है, वो बद दुआएं भी वही देगी, ठीक है। सो ये सारी चीजों से फायदा हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रशासन की केंद्रीकृत संगठन जो इसने किया, कैसे क्या केंद्रीकृत संगठन के द्वारा ये अपनी व्यवस्थाएं करता था। सो अपने काल में संपूर्ण शासन को केंद्र है ना, इस केंद्रीय व्यवस्था में सुल्तान ही क्या होता था, हेड होता था सुल्तान, मतलब शेरशाह की बात चल रही, ठीक है। अपनी राजधानी बना ली क्या, आगरा, क्योंकि दिल्ली में हुमायूं था, है ना, और हुमायूं के कारण अब फिर क्या होता है, तो थोड़ा चेंज कर लो ना तो बढ़िया, क्योंकि दिल्ली में अब उसके भी कुछ चाहने वाले लोग होंगे, वो कल को षड्यंत्र करके हटाने की सोचे हैं 50 चीजें, तो उन्होंने कहा नहीं दूसरा काम करो दिल्ली बना लो। चलो दिल्ली की जगह आगरा ने अपनी क्या बना ली, राजधानी, और वहीं से शासन करना चालू कर लिया। इसके बाद भैया सर्वोच्च पदाधिकारी जो है वो कौन होता था, कौन होता था, अभी बताया ना सुल्तान होता था, तो वही सर्वोच्च पदाधिकारी हर व्यक्ति उससे सलाह लेगा, मतलब सलाह दे भी सकता है, लेकिन ऑर्डर कौन देगा, केवल वो सर्वोच्च अधिकारी, और किसी से कोई बात ही नहीं। न्यायपालिका और कार्यपालिका, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी प्रशासन होता है ना तो आपने पॉलिटिक्स राजनीतिक अगर समझ होगी तो चीजों को अलग कर दिया जाता है। क्यों, कार्यपालिका जो काम करने वाले हैं उनको अलग, न्याय वालों को अलग, ताकि क्लैशेस ना हो। अगर इनमें ही नीति बनाने वालों में और नीति का निर्माण करने के अलावा न्याय देने वालों में क्लैशेस होने लग गए तो व्यवस्था नहीं चल सकती। तो इसीलिए इन्हें क्या कर दिया, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग, और साथ ही साथ जो सैनिक मामलों का जो है वो प्रमुख हुआ करता था, कौन कौन, वो स्वयं शेरशाह सभी कर्मचारियों की क्या करता था, नियुक्ति भी करता था, देख के कि भाई कैसा व्यक्ति है, अगर लग रहा है कि यही काम का है तो लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो जानता है ना चीजें, उस व्यक्ति ने घाट घाट का पानी पिया है, हर जगह काम किया हुआ है उसने, तो वो जानता है कि कहाँ कैसी समस्याएं हो सकती, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, राजा के ऊपर नियंत्रण हो भी नहीं सकता, होगा तो समस्या का विषय, ठीक है। सीधे शब्दों में वह एक तानाशाह व्यक्ति था, लेकिन उदार भी था, तानाशाही करता था लेकिन काम खुल के करता था, ठीक है। और प्रमुख प्रशासकीय विभागों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रशासकीय विभाग इसने बनवाए थे, एक तो दीवाने बजारत, क्या नाम है, दीवाने बजारत, ये विभाग हुआ करता था जो आय व्यय की, जो इनकम और आउटरीच की सारी व्यवस्थाएं देखा करता था कि कितना टैक्स आ रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, इस चीज में कितना लग रहा है, वो दीवाने बजारत, दीवाने आरिज, आरिज तो हमेशा से सैनिक विभाग ही रहा है और इसका हेड होता था दीवाने आरिज। इसके बाद दीवाने रसालत, रसालत या इसी को कहते हैं दीवाने मोहतविश, मोहतविश ये विदेश मंत्री हुआ करता था, साथ ही साथ दीवाने इंशा, इंशा मतलब अभिलेखागार वाला व्यक्ति, ठीक है, सरकारी अभिलेखागार, पूरी की पूरी इनने व्यवस्था करवाई लिखित में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दीवाने काजा, काजा काजी है ना, सो ये मुख्य न्यायाधीश हुआ कर रहे थे दीवाने काजा। इसके बाद दीवाने वरीद, वरीद मतलब गुप्तचर प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्तचर प्रणाली किसी भी शासन प्रशासनिक व्यवस्था में। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हम पे कौन अटैक करने वाला है, किसने संधि कर ली, किसका क्या चल रहा है, कौन क्या करने वाला है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इंपॉर्टेंट गुप्तचर प्रणाली, दीवाने वरीद विभाग। चलिए केंद्रीकृत संगठन के बाद हम बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्था की। तो प्रांतों में कैसे क्या शासन चल रहा था, प्रोविंसेस में, यहाँ पे कुछ कुछ विद्वानों का यहाँ कुछ मानना है। जैसे ये परमात्मा शरण साहब हैं, इतिहासकार हैं, डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने सूर साम्राज्य या शेरशाह सूरी का साम्राज्य बहुत सारे प्रांतों में वर्गीकृत था ऐसा बोला है। इसमें सैनिक पदाधिकारी, जो सैनिक पदाधिकारी हुआ करते थे वो ही प्रांतों के हेड हुआ करते थे, प्रांतपति जिनको हम कह रहे हैं वो ही हेड हुआ करते थे, और प्रांतों का शासन संभालने में यहाँ पे ये इकाइयाँ जो हैं वो वर्गीकृत हुआ करती थी सरकारों में, सरकार समझ रहे हो, अभी हम बात करेंगे। जैसे देखो यार स्टेट होती है, प्रोविंस उसको बोल दिया, अब कोई भी स्टेट या राज्य, राज्य किससे मिलके बना होता, किससे मिलके बना होता, जिलों से मिलके बना होता है। सो जिलों को ये जिले की जगह सरकार कहा करते थे, क्या करते थे, सरकार, ठीक है। चलिए इसी के अलावा दूसरे एक इतिहासकार हैं डॉक्टर साहब आशीर्वादी लाल, ठीक है, ये श्रीवास्तव जी हैं, और इन्होंने भी शेरशाह सूरी के समय को सारा अफगान साम्राज्य प्रांतों या सूबों में नहीं,
ये बोल रहे प्रांतों में, ये कह रहे प्रांतों या सूबों में नहीं, ये एकता में विभाजित था। एकता मतलब एकता एक पर्टिकुलर सैनिक बात वही कर रहे हैं। यहाँ भी इनने जो सैनिक अधिकारियों की बात करी ये भी यही बात कर रहे हैं कि एकता जो होता था उसमें भी हेड सैनिक पदाधिकारी होता था और वही सारी व्यवस्थाएं दिखता था, उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र मिल जाता था। बस यहाँ नामों में क्लैशेज हैं कि कोई प्रांत बोल रहा है, कोई उसको एकता बोल रहा है, बाकी प्रशासनिक प्रणाली वैसे ही चल रही है। सैनिक अधिकारी हेड हुआ करते थे और वही सीधा सीधा काम देखा करते थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ प्रांतीय व्यवस्था में, प्रांतीय व्यवस्था में प्रांतीय अधिकारियों को हाकिम कहा जाता था। ठीक है, हातिम नहीं, हाकिम। ठीक है, अमीन एवं फौजदार, अमीन नहीं, अमीन एवं फौजदार जैसे पदनामों से इसको संबोधित किया जाता था। ठीक है, किसको? हाकिम को ही। इसके बाद शेरशाह सूरी के समय हैवात खां, हैवात खां ये व्यक्ति विशेष है जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, हाकिम हुआ करता था, जिसे मसनदे आली, क्या मसनदे आली की उपाधि से विभूषित किया गया था और उसे 30,000 सैनिक रखने की अनुमति प्राप्त थी। यहाँ सैनिक पदाधिकारी है अवाद का, हाकिम है, जिसको 30,000 की सेना रखने की परमिशन दी गई। आप सोचो 30,000 की सेना तो बाबर के पास नहीं थी जब वो युद्ध करने आया, और इतना भरोसा करके आप किसी व्यक्ति को, अपने सूबेदार को 30,000 की सेना दे रहे हो तो ऐसे तो दे नहीं दोगे। 30,000 की सेना से वो पूरा राज्य परिवर्तित कर सकता है, पूरा सत्ता परिवर्तन हो सकता है, गद्दी चेंज हो सकती है, लेकिन नहीं, आपने क्या करा, दिया किसको, विश्वसनीय व्यक्ति को, किसको, किसको, यहाँ पंजाब के हैवात खां को ये दे दी, क्योंकि आपको भरोसा है कि वो व्यक्ति आपसे क्या नहीं करेगा, गद्दारी नहीं करेगा। चलिए इसके बाद स्थानीय व्यवस्था की हम बात करें तो स्थानीय व्यवस्था में प्रांतों की अपेक्षा शेरशाह सूरी का सर्वाधिक ध्यान कहाँ था, स्थानीय प्रशासन पर था। जैसे आज भी भारत में स्थानीय प्रशासन, पंचायत होते हैं ना, ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिकाएं होती है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी जनता जो है रहती है, आपने उनका ख्याल रख लिया ना तो ये मान के चलिए फिर आपको जरूरत ही नहीं है ऊपर लेवल पे काम करने, क्योंकि यही लोगों से तो शुरुआत होती है हर चीज की, और इनको खुश रख दिया यानी सबको खुश कर दिया। तो नगरीय व्यवस्था है या फिर स्थानीय व्यवस्था जो है उसको सर्वाधिक ध्यान रखने का काम कौन सोचता था, शेरशाह सोचता था। और शेरशाह का स्थानीय जो प्रशासन है वो तीन भागों में वर्णीकृत हुआ करता था। जैसे हमने बात करी है सरकार, सरकार मतलब जिले हुआ करते थे, अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फिर परगना हो गए और फाइनली सबसे निचले लेवल पे गांव हुआ करते थे। आज भारत में भी मैं राजनीतिक तौर पे आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय स्थानीय शासन प्रणाली चलती है, तीन स्तर की। जैसे ये तीन स्तर की चल रही है भारत में, आज भी तीन स्तर की, ग्राम प्रशासन, ग्राम पंचायतों के रूप में, फिर ब्लॉक स्तर पर, तहसील लेवल पर और जिले लेवल पर होता है ना। सो यही सेम चीज यहाँ भी चल रही है, नाम चेंज है, काम वही है। और चाहे बोल लो कि यहाँ से शुरुआत करी गई है या हम बात करें तो ये जो स्टार्टिंग है ये दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में सबसे पहले स्थानीय प्रशासन की बात करी गई थी, तो हम चोल साम्राज्य कभी पढ़ेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। यहाँ सरकार की हम बात करें तो सरकार मतलब जिलों को सरकार कहा जाता था, जिलों को सरकार कहा जाता था। प्रांत या सूबे सरकारों में वर्गीकृत थे, प्रांत हो चाहे सूबे वो सरकारों में बढ़े थे, और यहाँ पे लगभग 47 सरकारें हुआ करती थी, यानी 47 जिले थे इसके प्रशासन में, किसके, शेरशाह सूरी के प्रशासन में। शेरशाह के काल में स्थानीय प्रशासन को मुख्यतया दो अधिकारी संभालते थे, एक था सिकदार ए सिकरदारान, सिकदार ए सिकदारान, सिकदार ए सिकदारान, दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफ ए मुंसिफान, ठीक है, सिकदर ए सिकदरान, मुंसिफ ए मुंसिफान, दो ही अधिकारी थे जो संभाल लेते थे सरकार को। सिकदर ए सिकदरान ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, अपने अधीनस्थ सिकदारों के कार्यों को ये देखरेख करता था, उसके नीचे के जो सिकदार है उनको ये देखा करता था, और सरकारी कानून के पालन से लेके सभी कार्य कर जो संपादित होते थे वो क्या है ये संपादित किए जाते थे। यह एक सैनिक अधिकारी का पद हुआ करता था, कौन सा, सिकदर ए सिकदरान। नेक्स्ट हम बात करें परगना की, परगना क्या होता था, स्थानीय शासन में छोटी प्रशासनिक इकाइयों को परगने में विभाजित कर दिया जाता था, परगना बोल दिया जाता था। परगने में ये पदाधिकारी होते थे, एक तो सिकदार जो किसके अंडर में रहते थे, सिकदर ए सिकदरान के, सरकार के, फिर पोतदार, फौजदार भी इसको बोलते हैं, पोतदार भी बोलते हैं, कारकुन अमीन, ठीक है, सिकदार परगना का सबसे ऊंचा व्यक्ति हो गया, मेन अधिकारी हो गया, ये सिकदार ए सिकदरान के अंदर काम करता था और परगना में शांति व्यवस्था रखना उसका प्रमुख काम हो जाता था। अमीन या मुंसिफ, अमीन या मुंसिफ जो है ये सारी भूमि व्यवस्था के
काम को देखता था, उसको नियंत्रित करता था, लगान संबंधी और मुकदमे की देखभाल करना उसका प्रमुख कार्य होता था। सिकदर एवं अमीन का अधीनस्थ कर्मचारी फौतदार होता था, वह कोषाध्यक्ष होता था, पैसे की देखरेख तो यही कर रहा है भैया, सारी आमदनी उसके पास ही होती थी जमा, ठीक है। कारकुन जो है इसको क्लर्क कहा जाता था, क्या कहा जाता था, क्लर्क, आजकल जो क्लर्क होते हैं ना, सारी लेखा जोखा की बात कर रहे हैं, हिंदी एवं फारसी भाषा के कारकुन होते थे जो लगान, भूमि व्यवस्था और आय से संबंधित सारे दस्तावेजों को क्या करते थे, मेंटेन करते थे, देख लेख उसकी कर देते थे, कोई दिक्कत परेशानी। लास्ट चीज है यहाँ पे गांव की व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम हुआ करती थी, आज भी वही होती है। एक परगने में अनेक गांव होते थे और गांव प्रशासन का प्रमुख क्या कहलाता था, मुखिया कहलाता था। आज भी गांव में मुखिया होते ना, सरपंच जिसको हम बोलते हैं, सो मुखिया गैर सरकारी पदाधिकारी होता था, ये वही के लोगों द्वारा चुना जाता था, ये सरकारी नहीं होता, वही के लोगों द्वारा, ताकि हम समझ तो पाए वहां की व्यवस्था। पटवारी, मुकदम और चौकीदार, ये मुखिया के क्या है, सहायक होते थे सारे कर्मचारी, जो शांति व्यवस्था और अपराध रोकने के लिए तथा लगान वसूल करने के लिए हुआ करते थे। समझ पा रहे? तो ये आपने पूरी की पूरी चर्चा कर ली है किसकी, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था की। शुरुआत होती है केंद्रीकृत इकाइयों से, केंद्रीकृत मतलब केंद्र से, केंद्र के बाद यहाँ पे प्रांतीय व्यवस्था जो है, प्रांतीय व्यवस्था में काम हो रहा है, तो प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ स्थानीय भाषा को या स्थानीय प्रशासन को मुख्य रूप से आपने संभालने की कोशिश की, जो तीन भागों में बट रहा था आपका सरकार यानी जिले वाला माहौल। इसके बाद सरकार से परगना हुआ करता था, जो हुआ करता था एक प्रकार से तहसील लेवल का काम, और फाइनली ग्राम हुआ करते थे, जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी जिसमें ये काम चल रहा है। यही चीज पूरा का पूरा अकबर फॉलो करेगा, आगे ब्रिटिश रूल में भी यही चीज कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगह फॉलो होती है, आज स्वतंत्र भारत में तो ये चीजें हो ही रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट शेरशाह सूरी। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।